नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम SPDF मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा SPDF के बारे में बता देता हूँ कि SPDF हमारे सब ऑर्बिटल होते हैं और किस में कितना इलेक्ट्रॉन आता है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी के बेस पर हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। जैसा कि देख लेते हैं एस, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ की बात करते हैं तो इसमें 14। इसका मतलब एस आपको क्या मिल जाएगा, S1 से लेके S2 तक। अगर रेंज की बात करें तो S1 to, पी हमें मिल जाएगा 1 to 6 और डी मिल जाएगा 1 to 10 और एफ मिल जाएगा 1 to 14। क्लियर? तो ये हमको क्या बता रहा है, रेंज, कि हम किसी एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अबव प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है। ये आपको बनाना पड़ेगा, ये बहुत ध्यान से सीखिए कैसे बना रहे हैं। आप पूछेंगे 7 तक ही क्यों लिया, तो 7 ही पीरियड्स हैं अभी तक पीरियडिक टेबल में, तो इसी से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए हमने 7 तक लिया। 1 में केवल S होता है, 2 में आपको 2s 2p मिल जाएगा, 3 में 3s 3p 3d, 4s में 4p 4d 4f। अब देखते हैं कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करें। मैं काम कर रहा हूँ, ये जो भी मैंने हम यहाँ पर सब ऑर्बिटल लिए हैं उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ ताकि आपको फिलिंग बहुत अच्छे से समझ में आए। अब मैं आपको रूल बता देता हूँ कि अबव प्रिंसिपल करते वक्त क्या रूल फॉलो करना है। इंट्री हमेशा टॉप से होगी, इसका मतलब जब भी हम इंट्री करेंगे किसी भी ऑर्बिटल में तो वो टॉप से। कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कुछ इस तरह ये पूरा आपको एक सांप सीढ़ी जैसा मॉडल बना हुआ है, लेकिन यही आपको आगे हेल्प करेगा कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्योंकि 1s के बाद क्या आएगा यही टेबल हमको बताएगा। 2s के बाद क्या आएगा, अगर आप 2p लिख देते हैं तो सही है, 2p के बाद अगर आप 3p लिख दिए तो गलत हो गया, 2p के बाद आप कहाँ जाओगे, 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5b 6s, इस तरह। तो अब हम बताते हैं कैसे इसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके देखते हैं। पहले H का बता देता हूँ, तो H का देखिए हम कैसे करते हैं। पहला ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल हमारा 1s, तो इसको ले लिया 1s1। ये ऊपर जो है नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। हीलियम की बात करते हैं तो 1s2, लिथियम की बात करते हैं तो 1s2, 2s1, क्योंकि 1s के बाद कहाँ आ गया 2s। s में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 है, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, सीधे आते हैं नियान पे 10 नंबर, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2s में हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2s के बाद क्या मिल रहा है हमको, 2p,
तो 2s 2, उसके बाद 2p और 2p हो जाएगा 6। 20 का देखते हैं, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6। 3p के बाद देख रहे हैं क्या हमारे पास, 4s 2, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20। जिंक का देख लेते हैं जो कि 30 है, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2, और 4s के बाद देख रहे हैं क्या है, 3d, और इसमें 3d में आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा कॉन्फिगरेशन। इसी तरह हम सारे एटम्स का, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। 1 to 30 में दो एलिमेंट आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, क्रोमियम 24 एंड कॉपर 29। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट में हो जाएगा 4s1, 3d5, और इसकी केस में हो जाएगा 4s1, 3d10। क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।